दोस्तों, ये जो सामने महल दिखाई दे रहा है ये ओरछा का किला है और हम इस समय चतुर्भुज मंदिर पे हैं। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज मंदिर को आपको दिखाया था, आज हम देखेंगे इस किले को जो सामने दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज मंदिर की छत से हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका नज़ारा और फिर आगे चलते हैं। आज हम आपको ओरछा का किला घुमाने वाले हैं। तो हम आ गए हैं चतुर्भुज मंदिर से, नीचे आ गए हैं और ये देखिए बेतवा नदी पर ये पुल बना हुआ है जिसको हमें क्रॉस करना है यहाँ से। तो इसको हम क्रॉस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सड़क अभी बिल्कुल खाली, हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हैं इसलिए देखिए ये गर्मी का मौसम है, नदी भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक महल है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल पे दो महल है, एक ये सामने जो महल दिख रहा है, एक जस्ट इसके पीछे महल है। तो एक को राजा के महल के नाम से जाना जाता है, एक किला के नाम से जाना जाता है। तो दोनों चीज़ों को हम बारी बारी से घूमेंगे। तो जब हम जाएंगे तो किला का देखिए ये यहाँ पर मुख्य द्वार है ना, और ये जो मुख्य द्वार है इसको कटीला द्वार के नाम से भी जाना जाता था। इस द्वार में बहुत बड़े बड़े कटीले, देखिए कांटे लगे होते थे जो हाथियों को रोकने के लिए लगाए जाते थे, जिसमें अगर इसको हाथी तोड़ने की कोशिश करता था तो ये उनको लग जाती थी और वो पीछे हट जाते थे। अब आगे देखते हैं, ये है टिकट घर। तो यहाँ आकर के सबसे पहले हम लोग टिकट कटवाएंगे जो कि 50 रुपये का भारतीयों के लिए है। फिर ये यहाँ पर जो गेट देख रहे हैं ये राजा के महल में जाने के लिए मुख्य गेट है जिससे हम अंदर जाएंगे। और देखिए ये इसके जो गेट हैं ये टूट चुके हैं, एक्चुअल पे ये बहुत पुराने हो चुके थे। यहाँ पर देखिए ये पूरा टूट गया है, इसमें भी नुकीले कांटे लगाए गए थे ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, लेकिन ये अब पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि इसको बने हुए कई साल हो चुके हैं। ये लगभग 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था, राजा रुद्र प्रताप ने इसको बनवाया था। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो सामने आप देख रहे हो ये राजा का किला है, और ये जो साइड में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये जिसमें खम्भे ढेर सारे बने हुए हैं ये राजा का महल है। तो ये देखिए ये राजा का क्या है, महल है, जो महल बनवाया गया था, और जो सामने आपने देखा ये राजा का किला है। तो इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चित्रकारी है और बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। तो हम बारी से आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। और राजा रुद्र प्रताप ने इसको देखिए सन 1501 में इसका काम चालू करवाया था, और ये राजा रुद्र प्रताप वाराणसी से होकर के गढ़कुमार में जाकर के अपना जो है कि राजधानी इन्होंने बनाई थी, लेकिन गढ़कुंडार से फिर इन्होंने ओरछा अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था और ओरछा में फिर इस किले को निर्माण करवाया था। तो 1501 में गढ़कुंडार में इन्होंने अपना किला बनवाया, फिर उसके बाद में 1531 में ओरछा में इस किले का निर्माण करवाया। फिर एक दिन शेर से गाय की रक्षा करते हुए राजा रुद्र प्रताप की मृत्यु हो गई और फिर इसके बाद उनके पुत्र मधुकर शाह ने इस काम को आगे बढ़ाया। तो ये देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो राजा मधुकर शाह ने इस काम को 1531 से आगे बढ़ाया, उसके बाद उनके पुत्र महाराजा वीर सिंह ने इस महल को पूरा करवाया था। तो इस प्रकार से लगभग ये 1600 में ये पूरा बन करके तैयार हो गया था। तो जो पुराने किले होते थे वो ऐसा नहीं होता था जैसे आज के घर होते हैं कि एक दो साल में बन के तैयार हो जाते हैं, इनको 50 साल, 100 साल, 200 साल भी लग जाते थे, बहुत लंबा समय लगता था तब जा कर के कहीं कोई किला बनता था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1500 में ये बनना तैयार हो गया था, आज 2024 है, तो आप समझ सकते हो लगभग इसको 500 साल हो गए हैं बने हुए। तो जो इसके गेट हैं वो काफ़ी जर्जर हो गए थे इसलिए टूट गए थे। अब आप देखते हैं ये जो द्वार है ये राजा के महल का जो द्वार है उसमें हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये राजा का महल है, सबसे पहले हम महल देखेंगे उसके बाद में हम चलेंगे किले पे। तो आप यहाँ पर देखो ये इस महल को कितनी खूबसूरती से देखिए बनाया जाता था, ये पूरा बरामदा है और यहाँ पर दरबार लगता था राजा का, इसके ऊपर देखिए राजा बैठते थे और यहाँ नीचे जनता बैठती थी और जनता के जो भी मुद्दे होते थे राजा यहाँ बैठ के सुनते थे और फैसले सुनाया करते थे। तो ये देखिए ये क्या है, ये रानियों के लिए दरीचे बनाए गए थे कि जो भी यहाँ पर क्रियाकलाप हो रहे हैं रानी अपना खिड़की में बैठ के ऊपर से देखती रहती थी और यहाँ सारी जनता बैठी होती थी, ये देखिए, और यहाँ ऊपर राजा बैठ करके अपना फैसला सुनाता था। तो देखिए कोई भी महल होता था पुराने ज़माने का तो उसमें दो जगह होती थी,
एक होता था शाही खास और एक होता था शाही आम, ठीक है। तो जो आम दरबार हुआ करता था उसमें जनता की समस्याओं को सुना जाता था, और जो शाही खास हुआ करता था उसमें केवल मंत्रियों की, जो वहाँ के मंत्री होते थे, जो सिपाही होते थे, उनकी समस्याओं को सुना जाता था। और फिर देखिए इसके आगे जानते हैं। तो देखिए घर में जैसे हम लोग अपने बरामदे में कुछ चबूतरे वगैरह बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर पुराने ज़माने में भी राजा शाम के समय यहाँ पर शाम को बाहर बैठने का आनंद लेते थे, तो यहाँ चबूतरे वगैरह उनने बना रखे हैं और पत्थर के स्टूल बनाते थे। अब पहले ज़माने में नहीं चलता था ये जो प्लास्टिक के स्टूल वगैरह जो अब चलने लगे ना, तो वह पहले नहीं होता था। तो ये देखिए जो टेबल्स यहाँ बनाई गई हैं वो भी पत्थर की ही बनाई गई, तो सब कुछ पहले मजबूती से होता था और बहुत ही मजबूत हुआ करता था, इसीलिए अभी तक वो टिका हुआ है ना। तो स्टूल तो आपको पता ही है जो प्लास्टिक के होते हैं तो साल दो साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये महल देखिए और इसकी हर चीज़ 500 साल से चल रही है ना, और उसी खूबसूरती से बनी हुई है। दोस्तों एक ज़माना था जब यहाँ पर ढेर सारे सैनिक हुआ करते थे, चहल पहल होती थी, रानियाँ होती थी, राजा होते थे, और ये पूरा जो एरिया बहुत ही खूबसूरत हुआ लगता था। अब हम आ जाते हैं दोस्तों किले पे। तो ये किला है और इसमें हम लोग आगे जाएंगे, और इस किले में बहुत सारी जगह हैं। और यहाँ पर देखिए शाही दरबार हुआ करता था जो कि राजकुमार के लिए बनाया गया था। अब इसको होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, तो होटल में तो यहाँ पर रेस्टोरेंट बन गया, तो वहाँ केवल खाना खाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमें जो है कि अब चलना है राजा के किले पे। तो किले में हम अंदर जाएंगे तो हर बार देखिए यहाँ पर जो टिकट कटाया गया था उसकी चेकिंग होती है, तो आगे जा कर के हम सबसे पहले अपना टिकट जो है कि चेक करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑफिस में टिकट चेक होने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लोग लगे हुए हैं टिकट चेक करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग टिकट अपना दिखा करके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें कितनी बेहतरीन तरीके से कलाकृति इनकी बनाई गई है, सब कुछ बहुत ही मजबूत और पत्थरों से बनाया गया है। तो यहाँ पर टिकट चेक होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और फिर ये देखिए महल के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो ये दरबार है। यहाँ पर छोटा सा रूम ऑफिस जो बैठक बनाई जाती थी पहले, तो आप खुद सोचो एक चीज़ कि जब ये महल बनाया गया था और उस समय जब राजा रुद्र प्रताप यहाँ पर रहते थे तो कितना चहल पहल रहती होगी, ढेर सारे लोग यहाँ पर रहते होंगे, सैनिक रहते होंगे, खाना पीना चारों तरफ बनता रहता होगा, है ना। तो यहीं खाना बन रहा है, चहल पहल हो रही है, ढेर सारे सैनिक हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा उस समय जब सब लोग रहते थे। और ये नया महल था तो महल की रौनक भी अलग ही रही हुई, पूरे महल में साज सज्जा भी बनी रहती थी, पूरे महल में सजावट होती थी राजा रानियों के लिए। तो अब देखिए ये महल जो पुराने हो चुके हैं ना, तो इसमें अब कोई सजावट है ना, और ये पुराना भी हो चुका है, तो अब ये केवल घूमने वाली जगह बन चुकी है कि पर्यटक आते हैं घूम के चले जाते हैं। तो ये किसी ने अपने लिए बनाया था कि हमारे लिए जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे रहने के लिए किसी ने अपना घर बना लिया, और अब ये जो कि पुराना होकर के पर्यटन स्थल बन चुका है। तो आप इमेजिन करो कि जब राजा हुआ करता था तो क्या नज़ारा हुआ करता रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर पानी भर देते थे और ये चारों तरफ टेबल बना रखी हैं, तो यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर पानी का आनंद लिया जाता था। फिर हम इस महल में ये सीढ़ियाँ देखिए बाहर की तरफ बनाई गई हैं, यहाँ से चढ़ करके ऊपर आ जाते हैं। तो इस महल में देखिए दो फ्लोर हैं, एक नीचे का फ्लोर जो हम लोग नीचे थे, और ये सेकंड फ्लोर है, और सबसे ऊपर जाएंगे अभी हम लोग तो वहाँ पर दिखाएंगे कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए बीच में ज़्यादा घूमने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर ऐसे ही रूम वगैरह छोटे छोटे बने हुए हैं। जो नीचे है ये बरामदा यहाँ पर बना हुआ है, इस प्रकार का यहाँ कुंड बना हुआ है पानी भरने के लिए, और इसके बीच में जो हैं वो केवल रूम वगैरह हैं। तो राजा का महल आपको कैसा लगा? अगर महल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पुराने महल देखना कितना अच्छा लगता है। अगर आपको पुराने महलों को देखना अच्छा लगता है तो हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे पुराने किलों में